फर्स्ट टाइम सियालकोट जा रहा हूँ। सियालकोट में तो हमारे कौमी शायर डॉक्टर इलामा इकबाल पैदा हुए थे। हम लाहौर से सियालकोट बाय जीटी रोड जा रहे थे। ये हम मीनार पाकिस्तान के पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। यहाँ से तो बादशाही मॉस्क बहुत अच्छे से नजर आती है। फिर हमने राइट साइड पर रिटर्न लिया, बत्ती चौक की तरफ जाने लग गए। लेफ्ट साइड पर मेट्रो स्टोर आ गया, वहाँ से सीधा स्ट्रेट जाते हुए बत्ती चौक आया। बत्ती चौक से गुजरते हुए हमने रिंग रोड का पुल क्रॉस किया। पुल क्रॉस करते ही रावी का पुल स्टार्ट हो गया। ये है रावी रिवर। जब रावी का पुल क्रॉस किया तो पुलिस चेक पोस्ट आ गई। वहाँ पे पुलिस अंकल गाड़ियों की चेकिंग करके गुजारते हैं। सीधा स्ट्रेट शादरा मोड़ है। पहले हम लेफ्ट साइड पर मुड़े थे क्योंकि हैदराबाद जाना था। इस बार हम स्ट्रेट ही जाएंगे क्योंकि हमने गुजरांवाला रोड से जाना है। हम सियालकोट जा रहे थे गुजरांवाले रोड से। फिर हम सीधा स्ट्रेट ही जा रहे थे। रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ था। सफर करने का बहुत मजा आ रहा था। साथ साथ मैं वीडियो भी बना रहा था और खूब एंजॉय कर रहा था। फिर हम रास्ते में मरीज से गुजरे, आगे सीधा स्ट्रेट जाते हुए कामों की आ गया। रास्ता काफी आरामदेह है। गुजरांवाले रोड पर तो काफी सारी फैक्ट्री एरिया भी है, काफी सारे रेस्टोरेंट भी नजर आए। गुजरांवाले शहर में दाखिल होने के लिए गुजरांवाला टोल प्लाजा आता है और वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता है। हमने भी टैक्स पे किया। फिर हम सीधा स्ट्रेट ही जा रहे थे तो चंदा किला आ गया। अगर हम सीधा स्ट्रेट जाते तो आलम चौक की तरफ रास्ता जाना था, बट हमने तो सियालकोट जाना था। इसी वजह से हम राइट होकर गुजरांवाला शहर में एंटर हो गए। गुजरांवाला शहर भी काफी खूबसूरत शहर है, मुझे बहुत पसंद आया। हम स्ट्रेट ही जा रहे थे तो मैंने राइट साइड पर लिखा हुआ देखा कि आई लव गुजरांवाला। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सोचा आपको भी दिखाता हूँ। फिर आगे पुल आ गया। पुल तो काफी लंबा था लेकिन अच्छा बना हुआ था। फिर हमने पुल क्रॉस करने के बाद यू टर्न ले लिया। हम जिला कचहरी की तरफ रिटर्न लिया जो रास्ता सियालकोट की तरफ जाता है। फिर ना मैं थोड़ा सा कुछ थक गया था। मैंने पिछली सीट पर जाकर कुछ देर आराम किया, बल्कि सो ही गया। इतने में ही गाड़ी का एसी खराब हो गया। एकदम से ही बहुत गर्मी हो गई। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। फिर मैंने अपना मूड सेट करने के लिए ताज़ा हवा में एंजॉय करना शुरू कर दिया। फिर मुझे कुछ काफी बेटर फील हुआ। फिर कुछ वीडियो मैंने कम बनाई। फिर सियालकोट रोड शुरू हो गया था। रास्ते में डस्का शहर भी आया। वहाँ एक चौक था जो गेंटा घर के नाम से मशहूर है। वहाँ से हम सीधा स्ट्रेट ही गए। सियालकोट मोटरवे का पुल आ गया। हम लोग नीचे से आगे क्रॉस करते हुए गए, सियालकोट शहर की तरफ चले गए। फिर कश्मीर रोड आ गया। वहाँ पर हम अस्करी वन में अपने अंकल को मिलने गए थे। अंकल ने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मजा आया। कुछ देर हमने घर पर आराम किया, खाना खाया। फिर हम अंकल की गाड़ी पर उनके फार्म हाउस चले गए। अरे यार, वहाँ तो फिश फार्म भी था। मैंने तो वहाँ पर खूब एंजॉय किया। वहाँ तो बहुत सारे दरख्त ही दरख्त थे। हर तरफ सब्जा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमारे पाक आर्मी के जवान भी थे। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ से तो देखे तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ भी नजर आ रहे थे। मुझे तो ये सफर बहुत अच्छा लगा यार।
आप लोगों को कैसा लगा? मैंने इतना अच्छा सफर कराया, लाइक तो बनते है ना? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होगी। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपका प्यार है। ओके।